प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस कांड का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुधवार को फोन पर बात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले कठोरतम कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए नजीर बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री से हाथरस कांड को लेकर वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें मामले की जांच SIT से कराने और प्रकरण के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि SIT 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और त्वरित न्याय के लिए मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। आपको बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता ने मंगलवार को दिल्ली के एम्स में दम तोड़ दिया था। वहां से उसका शव रात को हाथरस पहुंचा। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने परिजनों पर दबाव डालकर शव का रात में ही अंतिम संस्कार करवा दिया। मामले में यूपी पुलिस पर हीला हवाली का रवैया अपनाने का आरोप पहले से ही लग रहा था। अब इस घटना से पुलिस के साथ साथ योगी सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी दलित विरोधी होने का आरोप लग रहा है। न्यूज़ डेस्क।